सो गाइस करते हैं शुरू टेक स्टफ का एक और नया एपिसोड मोटोरोला के साथ। मोटो एज एक्स 30 लॉन्च होने वाले हैं 9 दिसंबर को चाइना में, और आज मोटो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि स्मार्टफोन में हमें एक 50+50 डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब साथ में एक और टर्शियरी कैमरा तो होगा, बट दो कैमरा होंगे 50 मेगापिक्सल के, और साथ में हमें एक 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मोटो एज एक्स 30 में देखने को मिलने वाला है। साथ में गाइस मोटो इंडिया ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मोटो G51 5G हमें इंडिया में 10 दिसंबर को देखने को मिलने वाला है। वैसे इसकी लॉन्च डेट ऑलरेडी आपको लीक करके पिछले हफ्ते मैंने बता ही दी थी, और मोटो G51 आपको अंडर 20,000 रुपीस में 10 दिसंबर को आप देखने को मिलने वाला है। Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स काफी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, और आज Realme 9i की प्राइम स्पेसिफिकेशंस लीक हो गई हैं। नोटेबली Realme 9i में हमें एक 50 मेगापिक्सल्स का मिलेगा मेन कैमरा, साथ में Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर होगा, ये एक 4G प्रोसेसर है। साथ में हमें फुल HD प्लस IPS LCD 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है Realme 9i में। काफी जल्दी हमें Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। Xiaomi 12 सीरीज के दो और स्मार्टफोन्स आज लीक हो गए हैं। Xiaomi reportedly लॉन्च करने वाला है Xiaomi 12 Lite और साथ में Xiaomi 12 Lite Zoom स्मार्टफोन्स को। Xiaomi 12 Lite में हमें देखने को मिलेगी एक 6.55 इंचेस की AMOLED Full HD Plus डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की होगी रिफ्रेश रेट, और Qualcomm Snapdragon 778G/Qualcomm Snapdragon 780G प्रोसेसर हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। Xiaomi 12 Lite Zoom की बात करें, यहां पे हमें डिस्प्ले सेम देखने को मिलेगी, बट यहां पे कैमरा हमें तगड़ा देखने को मिलने वाला है, लंबा लंबा जूम हमें Xiaomi 12 Lite Zoom में देखने को मिल सकता है। Apple Watch SE का सक्सेसर काफी जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो Apple अगले साल के पहले हाफ में Apple Watch SE 2 लॉन्च करने वाला है, और इस वॉच का एक रगड़ सकने वाला एडिशन भी हमें अगले साल के पहले हाफ में देखने को मिलने वाला है। iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि इंडिया में हमें जनवरी 2022 में iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, और इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स सेकंड वीक ऑफ जनवरी के सेकंड वीक में चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। इन ऑल लाइक्लीहुड इंडिया में भी आपको साइमल्टेनियस लॉन्च देखने को मिलने वाली है, या फिर एक या दो हफ्ते बाद इंडिया में भी iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE भी काफी जल्दी लॉन्च होने वाले, और काफी लोग इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन के बहुत सारे रेंडर्स तो ऑलरेडी लीक हो गए हैं, बट गैलेक्सी S21 फैन एडिशन अब सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गलती से लिस्ट हो गया है। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का सपोर्ट पेज एक्सीडेंटली लाइव हो गया था, और इसके फर्स्ट एवर ऑफिशियल लुक्स को भी अब टीज कर दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द सैमसंग गैलेक्सी S21 FE इज गोइंग टू लुक लाइक। इंडिया के लीडिंग टेलकोज ने इंडिया में प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की प्राइसिंग को बढ़ा दिया है, और इसके चलते BSNL यहां पे काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, और BSNL ने एक नया प्लान अनवेल किया है। इसमें आपको 94 रुपीस देने पड़ेंगे, और आपको 75 डेज तक की वैलिडिटी देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे 100 फ्री मिनट्स ऑफ टॉक टाइम, और साथ में आपको 3GB डेटा जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हो, मतलब पहले दिन यूज कर लो, अगले दिन यूज कर लो, टोटल 75 दिनों में जब भी आप इस 3GB डेटा को यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग BSNL की तरफ से इस प्लान को अब लाइव कर दिया गया है। OnePlus ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि OnePlus 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स OnePlus 10 और OnePlus 10 Pro में हमें Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। Though it should not come as a surprise to anyone, but still आज ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल के आ चुकी है कि OnePlus 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स में हमें Qualcomm का न्यूली अनवेल्ड फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अपडेट्स आएंगे Xiaomi 11 Lite NE 5G, Redmi 9 Prime और साथ में Poco M2 डिवाइस यूजर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इन तीनों स्मार्टफोन्स के लिए Xiaomi ने MIUI 12.5 एनहांस्ड एडिशन के स्टेबल अपडेट को अब ऑफिशियली ओवर द एयर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। गेमिंग न्यूज टाइम गेस, डाइंग लाइट 2 हमें फरवरी 2022 में देखने को मिलने वाली है, और लॉन्च से पहले ही, अनवेल से पहले ही इसके अब टीजर्स आने शुरू हो गए हैं। फर्स्ट एवर गेम प्ले टीजर को अब टीज कर दिया गया है, और इसमें हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। गाइस आपको नई पार्कोर स्किल्स देखने को मिलेंगी इस सीक्वल में, साथ में आपको नए ज़ॉम्बी किल मैकेनिक्स डाइंग
Lite 2 में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप Netflix गेम्स खेलते हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, तीन नई गेम्स को Netflix गेम्स प्लेटफॉर्म पे अब ऐड कर दिया गया है। इनके नाम है डोमिनोज कैफे, साथ में निटेंस और वंडरपट फॉरएवर। ये तीनों गेम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट Netflix गेम्स पे आप देखने को मिल जाती है। रेनबो सिक्स एक्सट्रैक्शन अनवेल होने वाली है January 2022 में, और इस गेम के डेवलपर्स ने इस गेम के बारे में आज काफी सारी अनाउंसमेंट्स कर दी है। इस गेम में हमें 12 अलग अलग मैप्स देखने को मिलेंगे, साथ में हमें देखने को मिलने वाली है 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशंस और 18 ऑपरेटर्स हमें रेनबो सिक्स एक्सट्रैक्शन गेम में देखने को मिलने वाली है। सर्टिफिकेशंस टाइम गाइस, रियलमी से करते हैं आज की सर्टिफिकेशंस शुरू। रियलमी बड्स एयर 3 TWS हमें काफी जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाली है। इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे रियलमी बड्स एयर 3 आज लिस्ट हो चुके हैं। स्पीकिंग ऑफ BIS एंड स्पीकिंग ऑफ TWS, OnePlus की अपकमिंग OnePlus बड्स 2 आज ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे और साथ में इंडिया की BIS पे लिस्ट हो गए हैं। काफी जल्दी ऑफ कोर्स OnePlus बड्स Z2 और साथ में OnePlus RT/OnePlus 9 RT हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। Moto Edge X30 आज Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है। ऑफ कोर्स Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर, 12GB RAM और Android 12 हमें आउट ऑफ द बॉक्स Moto Edge X30 में देखने को मिलने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, Redmi Note 11 ग्लोबल वेरिएंट 5G वेरिएंट आज सिंगापुर की IMDA पे लिस्ट हो गया है। काफी जल्दी हमें Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स एशियन मार्केट में और ऑफ कोर्स इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। ऑन दैट नोट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए, सदा ऑसम रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद। मोटो एज X30 30 और साथ में 12GB रैम हमें